एम्स की स्थापना और डीएमसीएच के विस्तार के मसले पर दरभंगा नागरिक मंच की डीएमसीएच गेस्ट हाउस में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता फोरम के कन्वेनर डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 18 सितंबर को दरभंगा सिटीजन फोरम की ओर से कर्पूरी चौक पर आम धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे धरना का उद्देश्य है कि एम्स निर्माण में जो भी गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए प्रतिरोध स्वरूप आवाज बुलंद की जाए, साथ ही हेल्थ केयर को मजबूत करने के लिए आम जनता के बीच जो उहापो की स्थिति है उसे दूर किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि डीएमसीएच का विस्तार बहुत स्वागत योग्य कदम है। बिहार सरकार द्वारा 2100 बेड की बढ़ोतरी जन स्वास्थ्य कल्याण की दृष्टि से बहुत सराहनीय कदम है। वहीं डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि हमारा देश तकनीक के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है, फिर भी जमीन की गुणवत्ता के कारण एम्स निर्माण रुका रहे, यह अविश्वसनीय है। केंद्र सरकार दृढ़ता दिखाए तो दरभंगा सहित पूरे उत्तर बिहार को लाभ देने वाला एम्स जरूर बन सकेगा। माले जिला सचिव बैजनाथ यादव ने कहा कि 18 सितंबर के धरना से हम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार सरकार ने जमीन दे दी है, केंद्र सरकार बिना राजनीतिक गुना भाग के जनता के हित में काम करे। बैठक में जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र सुमन, डॉक्टर राम बाबू आर्य, डॉक्टर एस के कर्ण, डॉक्टर भरत कुमार, डॉक्टर सूरज कुमार, नंदलाल ठाकुर, कामेश्वर पासवान, मयंक कुमार, रंजीत राम, समीर सहित आम नागरिकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। हम लोग भी इस धरना में आम नागरिक होने के नाते एम्स के सवाल को बराबर उठाने के सवाल पर हम इनके धरना का समर्थन करते हैं, लोगों से अपील करते हैं। जो ये धरना जो है सिर्फ डॉक्टर साहब का ही नहीं है और एम्स को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग एक नया स्थान देने के लिए आंदोलन चलाए और सरकार ने बहुत ही गंभीरता से हमारी बातें सुनी और निर्णय लिया एम्स को एक नए स्थान पर ले जाने के लिए। दारू शराब का कारोबार करने एवं दारू शराब पीने एवं नशे की हालत में कुल 23 लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया और उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद कर दिया, जहां से पकड़े गए इन सभी लोगों को न्यायिक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से एक्साइज विभाग की पुलिस द्वारा छापेमारी कर शराब दारू के कारोबारी से लेकर दारू शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 लोगों को दारू शराब के कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से कई लीटर शराब भी बरामद किया गया और दारू शराब पीने नशे की हालत में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 23 लोगों को उत्पाद विभाग की पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद हजरत भेज दिया। नहीं पकड़े गए कुछ आरोपियों से हमने बात की, क्या कुछ कहना है उनका आइए आपको सुनाते हैं। थाना कौन सा हुआ? कहाँ से? अभी तो शराब बिहार में बंद है, कहाँ से लाते हैं? शेर सर ने को मेला में छेली है। दरभंगा पुलिस अपराधी तत्व के लोगों पर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया है और चाहे मामला बाइक चोरी का हो या मोबाइल चोरी, इन सभी मामले में शामिल अपराधियों को छापेमारी कर गिरफ्तार करके हवालात भेजा जा रहा है। और ऐसे ही एक मामले में दरभंगा जिला के कोतवाली ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक डाइगर के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 7 सितंबर 2023 को दोनार दरभंगा में 2 मोबाइल फोन चोरी हुए थे, जिसके विरुद्ध नगर कोतवाली ओपी थाना में कांड दर्ज किया गया। जिस कांड को लेकर अज्ञात चोरों के खिलाफ 9 सितंबर 2023 को अज्ञात चोरों के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें 17 मोबाइल फोन और 1 डाइगर और 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरुद्ध नगर कोतवाली ओपी में कांड दर्ज कर दिया गया। उसके बाद दिनांक 9/9/2023 को अज्ञात चोर के विरुद्ध छापामारी किया गया, जिसमें 17 मोबाइल एवं 1 ड्रैगर तथा 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध अभी तक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा शहर के खानका चौक का मामला सामने आ रहा है, जहां भारी संख्या में पुलिस
बल पहुंचकर कॉपी किताब के दुकान को खाली करवाया। रविवार को तो कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है और जैसे ही दुकान के का ताला तोड़ा जा रहा था आसपास के लोगों की काफी भीड़ जुट गई। लोग यह समझने की कोशिश में थे कि आखिर यह क्या हो रहा है, लेकिन यह तो न्यायालय का आदेश था। इस आदेश का पालन करते हुए दुकान को खाली कराया जा रहा था। दरभंगा शहर के खानका चौक के समीप आज कार्रवाई हुई है, जहां बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद मौके पर खुद अंचलाधिकारी मौजूद रहे सहित काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। हालांकि इस संबंध में दुकानदार के परिजन का कहना था कि यह दुकान हम लोगों के लिए जीविकोपार्जन के लिए एकमात्र साधन है, जो आज हम लोगों के पास नहीं रहा। ये आपका दुकान है? कहाँ पर दुकान है, किस नाम से दुकान है? दुकान है, अच्छा, मेरे नाना जी का दुकान है। नोटिस देखने को मिला है, देहाली का मामला था, आज हमारे पास अभी मुझे नोटिस प्राप्त हुई है, उसमें दखल देने दुकान खाली करवाने का आदेश था। आज मैं यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचा, दुकान खुली हुई है। किसी भी समाज में हर तरह के व्यक्ति होते हैं। किसी एक व्यक्ति की गलत सोच, कार्य या व्यवहार के कारण दूसरों को भी बदनाम कर देती है। विद्यालय पूरे समाज के लिए होता है, इसके विकास के लिए शिक्षक अभिभावकों की नियमित रूप से बैठकों का आयोजन आवश्यक है। इस विद्यालय की कक्षाएं होंगी व्यवस्थित, लगेंगे पंख, दूर होगी मूलभूत समस्याएं, जहां छात्रों की हो 100% उपस्थिति। जाति धर्म एवं पार्टी आदि से ऊपर उठकर शिक्षा के विकास के लिए हमें कार्य करना चाहिए, ताकि बाद में भी लोग याद रख सके। रुपए पैसे तो आते जाते ही रहते हैं। यह बातें दरभंगा जिला के केओटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने प्लस टू उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कोयला स्थान की प्रबंध समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने विद्यालय की बाउंड्री करने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधान अध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार से कहा कि सीमित संसाधनों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करवाएं। विद्यालय परिसर विशेषकर शौचालय की पूरी तरह नियमित साफ सफाई हो, बड़ी टंकी बनवाकर नल का कनेक्शन भी करवाएं। पहले की सभी जमीनों की घेराबंदी को आवश्यक बताते हुए निर्देश दिया कि खेलकूद की समुचित व्यवस्था हो, यदि खेलकूद में प्रोत्साहन मिले तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों एवं समिति के सदस्यों से कहा कि वे स्कूल के विकास पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। विधायक ने अपनी ओर से स्कूल के प्रधानाध्यापक को बेंच डेस्क आदि की व्यवस्था के लिए आवेदन देने का आग्रह करते हुए अगले माह में पुनः प्रबंध समिति की बैठक आयोजित कर कार्य प्रगति की समीक्षा का आश्वासन दिया। और इस कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित थे, जिनमें भूदाता सदस्य सुरोती लाल बाबू और महिला सदस्य लक्ष्मी देवी इत्यादि उपस्थित थे। आज किस कार्यक्रम में सर आए हैं स्कूल में? आज कोयला स्थान स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठक का, कार्यकारी बैठक का आयोजन था। उसमें सभी यहाँ के प्राचार्य समेत जितने भी शिक्षक हैं, कर्मीगण हैं, सभी लोग थे। मैंने भी स्कूल की स्थिति का पूरे तौर पर जायजा लिया।